जांजगीर में चल रहे 4 दिवसीय राज्य स्तरीय शालेय क्रीडा प्रतियोगिता का आज समापन हो गया। इस प्रतियोगिता में 5 जोन से 5 खेल के खिलाड़ी शामिल हुए। स्पर्धा को लेकर खिलाड़ियों में गजब का उत्साह देखा गया। खिलाड़ियों ने स्पर्धा में अपनी प्रतिभा का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने कुश्ती फ्री स्टाइल और कुश्ती ग्रीको रोमनो, हैंडबॉल, मलखम्ब और सॉफ्टबॉल खेलों में हिस्सा लिया। इस अवसर पर जिला कलेक्टर आकाश छिकारा ने कहा कि खेल स्पर्धाओं से यह संदेश मिलता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में रहे वहां अपना सर्वोत्तम देना चाहिए। राज्य स्तरीय जो शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता था उसका समापन किया गया 1 सितंबर से 4 सितंबर तक 4 दिवस के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया था और लगभग 1200 हमारे खिलाड़ी और खिलाड़ी के जो साथ में हमारे मैनेजर्स थे उन सब ने पार्टिसिपेट किया। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा और आज के समापन पर जितने भी जो हमारे लोग जीते उनको हमने सम्मानित किया। खेल के माध्यम से हम सबको मौका मिलता है कि लाइफ में कैसे डिसिप्लिन की एक्सेंस इंक्रीज किया जाए और किसी भी क्षेत्र में आप जाना चाहें उसमें सर्वोत्तम करने के लिए लगातार प्रयास करते रहे। उस मैसेज के साथ आज हमने इसका समापन समारोह के मुख्य अतिथि व्यास कश्यप ने कहा कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए शिक्षा के साथ साथ खेलों का भी अत्यधिक महत्व है। खेल अपने आप में किसी भी व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए शिक्षा हो और बगैर खेल के मित्रता नहीं बन पाती। आगे बढ़ने में शिक्षा को खेल की भी आवश्यकता होती है और बहुत बेहतर ढंग से आयोजकों ने यहाँ आयोजन किया है और मैं जितने प्रतिभागी इस प्रतियोगिता में भाग लिए हैं मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ कि भविष्य में भी और बेहतर प्रदर्शन अपने लिए अपने जिला और अपने राज्य और देश तक ना जाएं और अपना नाम रोशन करें। समापन के अवसर पर खिलाड़ियों ने मार्च पास्ट किया और इसके बाद विजेता खिलाड़ियों और टीम को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया।